भैया। साइकिल आता है आपको? ये देखो फिर इधर से कैसे जाएंगे। चलो यहाँ से निकल जाएंगे। साइकिल्स आएगा तो यही फायदा रहता है, ऊपर से मेट्रो, नीचे बस गाड़ी, हमेशा इधर ट्रैफिक रहता है यार। आज तक बेंगलोर में ट्रैफिक का कोई सलूशन नहीं हो पाया, मेट्रो भी चालू हो गया फिर भी ट्रैफिक है। मेट्रो हुआ, ओवर ब्रिज हुआ, फिर भी ट्रैफिक कम नहीं हो सकता। कितना नैरो है देखो भाई। कौन आने? गरम लगता है। साइकिल किधर ले गया? हाँ वो चला रहा है ना, इसको तो आता ही नहीं है साइकिल। साइकिल आता है आपको? साइकिल चलाना नहीं आता है, साइकिल मांग के ले लिया। उधर से बच्चे लोग हैं यार, साइकिल मांगते हैं हमेशा। बहुत ट्रैफिक था यार आज, बहुत ट्रैफिक, पूरा लंबा 1 किलोमीटर तक पूरा ट्रैफिक। मोटू इधर था, कहाँ चला गया यार? तो भाई मैं अभी फ्रेश हो गया, अभी खाना खाएंगे, थोड़ा दुकान में जाएंगे कुछ सामान लाना है, सामान लाने के बाद फिर खाना खाएंगे। अभी मोबाइल भी रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज नहीं है, ये मोबाइल रिचार्ज का भी लफड़ा हो गया है। पहले 239 क्या हुआ, पहले 239 रिचार्ज करते थे, लेकिन अभी 349 रिचार्ज करना पड़ रहा है, उसको तो चेंज करना पड़ेगा BSNL में, ये जियो में नहीं हुआ। चलो भाई रिचार्ज हो गया, 319 का रिचार्ज किया है एक मंथ के लिए, 1.5 GB। मैं तो ये जियो सिम चेंज ही कर दूंगा, BSNL में कर दूंगा। जियो का इतना रिचार्ज मैंने हर महीने नहीं कर सकते, हम एफर्ड नहीं कर सकते इतना रिचार्ज। तो आप ही बोलो, इतना 239 का प्लान अगर 349 हो जाता है, 100 रुपया बढ़ा देता है, तो कौन इतना एफर्ड करेगा यार? ऐसे भी तो हम इतना डाटा यूज नहीं कर पाते हैं, क्यों करेंगे रिचार्ज इतना? मेरा तो फोकड़ में गया इस महीना, पूरा फोकड़ में गया ये जो रिचार्ज। तो चलो अभी दुकान को जाने के लिए सोच रहा था, पहले फ़ोन कर लेते हैं, फ़ोन आया था एक दो मिस कॉल है, उसको फ़ोन करके पूछते हैं क्या बात हो गया। अभी खाना खाएंगे, मोटू भी आ गया है, खाया गिरे खाए गए। अभी आज तो दुकान नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा शरीर दुख रहा है, अभी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो जो एडिटिंग है एडिटिंग करेंगे। चल खाए। चल ज़्यादा मसाला बनाए भाई, सुबह का जो कार्य हुआ था तो थोड़ा सा लिया बस इतना। तो भाई खाना हो गया, अभी मोटू का भी खाना हो गया। सोपला मुझे वो तो सो गया है। मेरा डब्बा है ना, डब्बा में है जो मैं पाउडर लाया हूँ, ये रागी वाला पाउडर, ये वाला पाउडर, ये वाला सुबह के लिए अभी से मैं तैयार करके रख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ऐसे ही याद नहीं रहता है या टाइम हो जाता है, तो छोड़ो यार कौन लेगा बोलकर ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं। अभी से ही तैयार करके रख देंगे, तो अभी सुबह बस टिफिन लेना है, उठाना है, साइकिल में डालना है, चलना है। मैं भी थोड़ा लेजी हो जाता है यार, काफ़ी टाइम में भी क्या करे, छोड़ दो चलो आज छोड़ देते हैं, कॉल करते हैं, चलो आज छोड़ देते हैं। सामान भर के रखता हूँ बैग में, लेकिन लेने के लिए नहीं होता है, इतना लेजी हो जाता हूँ मैं। बैग के सामने रहेगा ना, सुबह जाने के टाइम याद भी रहेगा। टिफिन भर के रखता हूँ, टिफिन यहीं छोड़ के चला जाता हूँ, टिफिन भरता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ, लेकिन यहाँ छोड़ के चला जाता हूँ। कई बार ऐसा, 2-3 बार ऐसा तो हुआ है, वो वाला रूम में जो रहता था ना, वो वाला रूम में भी हुआ है। इस वाला रूम में एक बार हुआ था, ऐसा ही पीनट रखा था, पीनट भरा उसमें, लेकिन छोड़ के चला गया। सब दिमाग का खेल है। मेरा साइकिल वो छोटे बच्चे ने साइकिल लेके गया था, साइकिल चाबी डाल देंगे। मैं जैसे ही आया वो साइकिल ले लिया, वो बच्चे ने चलाने के लिए पता नहीं कहाँ रखा है, उसको ताला डाल देंगे।
चोरी होता है साइकिल कभी कभी, इसलिए ताला डाल के रखना पड़ता है। पूरा अंधेरा है यार, ये कैसा रखा है साइकिल को, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, बाहर इतना अंधेरा है दिखाई नहीं दे रहा है। चलो चाबी डाल दिया भाई, उधर पिक्चर चालू है मोबाइल में, सो गया ये, इसको बंद कर दे। बहुत थक चुका हूँ यार आज मैं, बहुत 12 घंटा वाला ड्यूटी में काम करना इतना आसान नहीं है। काम हो जाएगा, काम कोई भी काम इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ थोड़ा अच्छा रहेगा ना तो काम करने के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ वजह है जो वजह जिस वजह से थोड़ा थोड़ा मैं एब्सेंट हो जाता हूँ। एक अच्छा वाला बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का या लड़की हमेशा अच्छा ही होता है, उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है, बहुत स्ट्रांग होता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैं थोड़ा इस कैटेगरी से बाहर हूँ, ये जो कैटेगरी है ना ये कैटेगरी से मैं बाहर हूँ। तकलीफ आता रहता है, तकलीफ झेलना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि तकलीफ आए और तुम झेल नहीं पाओगे। तकलीफ होगा यार जिंदगी में, जिंदगी में तकलीफ होना ही होना है, कि जीवन में तकलीफ नहीं है तो फिर किस चीज़ में तकलीफ है। मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता है। हर चीज़ का एक सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, इससे ऊपर के आपको आगे जाना पड़ेगा। अगर वहीं अटक जाएंगे तो बस जिंदगी वहीं अटक जाएगी। एक एक सेकेंड एक एक पल को भी वेस्ट नहीं जाने देता, आगे जो होगा देखा जाएगा। मेरा खुशी और गम का रिमोट कंट्रोल में किसी और को नहीं पकड़ाया, मेरा रिमोट कंट्रोल अभी तो मेरा हैबिट हो गया, डेली नाइट में आके आप लोग के साथ बात करना, आप लोग के साथ मेरा सब कुछ शेयर करना। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।